SA510 initial audit engagement opening balances. Revised. No significant changes. कोई changes नहीं है, वो की कोई बात की गई है, तो इसका मतलब है कि अब सब कुछ बढ़िया nothing is problematic. Auditing accounting estimate including fair value accounting estimate and related disclosure. नई चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पे? Fair value accounting estimate, क्योंकि fair value accounting estimate आ चुके हैं. Impairment में जो हम लेते हैं वो fair value accounting estimate है. AS 30 में जो हम लेते हैं वो fair value accounting estimate है. AS 15 में जो हम लेते हैं वो fair value accounting estimate है. So they are all fair value accounting estimate. इसलिए ये auditing का तरीका भी बदल गया. It includes fair value accounting estimates. So change हो गया है. अभी कंप्यूटर वापस आ गया होगा मेरा ख्याल है, बिल्कुल सही बात है. अकाउंटिंग एस्टिमेट की डेफिनेशन सरल कर दी गई, पहले थोड़ी सी टफ थी, अब थोड़ी सी इजी हो गई. एन एप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मॉनेटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट. बहुत छोटी सी डेफिनेशन कर दी गई है अकाउंटिंग एस्टिमेट की, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट मीन्स एप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मॉनेटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट. आपके पास शुद्धता से मापने के तरीके नहीं है, इसलिए आप किसी मॉनेटरी अमाउंट का क्या निकाल रहे हो? अप्रोक्सीमेशन. उसको आप क्या कहोगे? एस्टिमेट. बहुत इंटरेस्टिंग है. नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन इंपेयरमेंट या रिवैल्यूएशन के लिए लेते हैं, लेकिन होता वो भी अमाउंट ही है. लेकिन यहां जाकर उन्होंने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मॉनेटरी अमाउंट इन एब्सेंस ऑफ द प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट. यूजली दो तरीके के एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट और दूसरे अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट. नाउ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट किसको कहेंगे और अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट किसको कहेंगे? चार नंबर के लिए तैयार रहे. फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट कुड बी अ वेरी मटेरियल डेफिनेशन फॉर द एसे 500. एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड other accounting estimate. Let's define what is fair value accounting estimate. Fair value accounting estimate means where the measurement objective is expressed in the terms of the value of a current transaction or financial statement item based on the condition prevalent at the measurement date, such as estimate market price for a particular type of asset or liability. इतना बड़ा डिफाइन करने की जरूरत क्या थी? वो तो हमको यू भी कॉमन सेंस समझ में आता है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट मींस वेयर द मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव, जिसको हम मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को, इज टू मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट ट्रांजेक्शन. हमने ट्रांजेक्शन पहले किया हुआ है, लेकिन आज अगर उस ट्रांजेक्शन को करेंगे तो कंपेरेटिवली कितने में पड़ेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन कंडीशन को बेस बनाते हैं जो प्रिवेलेंट करती है जिस दिन हम वैल्यूएशन कर रहे हैं. आपने सबने देखा है कि हम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, आपको फाइनल वालों से बात कर रहा हूं मैं भी स्पेसिफिकली, कि फाइनल में हमने जब बैंकिंग पढ़ा था उस बैंकिंग के अंदर हमने देखा था कि बैंक में इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और हेल्ड टू मैच्योरिटी, तीन डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं. और हेल्ड टू मैच्योरिटी को हम रखते हैं किस पर? हिस्टोरिकल कॉस्ट. लेकिन अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इन दोनों को हम किस पर लेके आते हैं? फेयर वैल्यू. यानी जिस हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आपने ट्रांजेक्शन किया था. तो अब अगर इस डेफिनेशन को पढ़े तो समझ में आएगी कि वेयर द मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द करंट ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम बेस्ड ऑन द कंडीशन प्रिवेलेंट एट द मेजरमेंट डेट. जिस दिन मेजरमेंट डेट है, जिस दिन मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, उस दिन जो भाव चल रहा है मैं वो ले रहा हूं, या उस दिन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है मैं उसकी फेयर वैल्यू ले रहा हूं. इन दोनों केसेस में विल से दैट देयर इज व्हाट? फेयर वैल्यू एस्टिमेट. फेयर वैल्यू एस्टिमेट क्या होता है और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो आपसे पूछ सकता है. और एवरी अकाउंटिंग एस्टिमेट other than fair value accounting estimate is other estimate. ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है. Now, fair value estimates क्या हो सकते हैं? Estimate of fair value, fair market value of inventory, complex financial instrument,
derivatives, futures, options which are not traded in active market and open market, अगर whether derivative और इस तरह के derivative हैं जिनका कोई active market नहीं है तो वो वहाँ जाएंगे. शेयर बेस्ड पेमेंट जो आपके हैं, employee stock option plans and all that, property or equipment retired from active, whenever the asset is retired from activity, it is, it has to be measured at carrying amount or net realizable value, whichever is lower. तो वो net realizable value निकालना भी क्या है, fair value estimate. Certain assets and liabilities acquired in a business combination including goodwill and intangible assets. कुछ जो goodwill भी क्या होती है, that is जितनी assets आप लेके आए हैं उनकी estimated fair market value लेकर जो भी excess या less होता है उसको आप goodwill या capital reserve बोल के अलग हट जाते हो, that is also fair value accounting estimate. Transaction involving the exchange of asset, ASP में फिर पढ़ा था, एक asset लेके दूसरी asset लो, तो आने वाली asset को आप record करोगे, पहला preference दोगे fair market value of the consideration given, दूसरा preference दोगे fair market value of the consideration taken. क्या लाया? तो फिर fair market value जहाँ जहाँ involved है, they are all fair value estimates. Other estimates में क्या होगा? Doubtful debts का estimate करना, inventory obsolescence को देखना, warranty obligations देखना, depreciation method ये useful है test करना, provision बनाना investment में where there is uncertainty regarding its recoverability. एक मिनट, कुछ लोगों की बहुत बन गई है, ये provision. और अब मैं अगर वो long term investment पे depreciation लगा रहा हूँ या long term investment को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो that is not fair value estimate, that will be treated as what? Other estimate. तो कृपया ध्यान दें, PCC और final वाले दोनों की चार चार नंबर के इन questions के लिए तैयार रहो. What do you mean by accounting estimate? What are the types of accounting estimate? What do you mean by fair value accounting estimate? What do you mean by other accounting estimate? Give four examples of fair value accounting estimate or other accounting estimate. सब कुछ दिया हुआ है आपके notes में, आपको एक बार सिर्फ पढ़ के जाना है, बस पढ़ ही लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं. मैं नहीं चाहता कि अगले सेमिनार में कोई बैठा हुआ देखे, क्योंकि बाकी स्टैंडर्ड और ऑडिट आउटकम ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जिसके अंदर हम देखते हैं प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, कितना कंप्लीट हुआ कितना बाकी, फेयर वैल्यू में देखते हैं कि कॉस्ट पे. A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट CA फाइनल, हाँ, कॉस्ट कितनी इनकर की डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. That is not fair value estimate. That is what? Other estimate. One has to be very clear on that. Now, requirements kya hai, auditor sahab, aapko karna kya hai? Itna change de diya, auditor ko kya karna hai? Bahut sari requirements hai. Sabse pehli requirement hai, auditor will perform the risk assessment procedure and related activity in order to provide a basis for identification of risk of misstatement. Sabse pehle to ek list banao, कि कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं. सबसे पहले तो एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट क्या बनेगी कि कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं. फिर दूसरी लिस्ट बनेगी इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कौन कौन से हाईली रिस्की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं. नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि इनमें कितने हाईली रिस्क जोन में पहुंच गए हैं, जिनको हम कह सकते हैं दे आर हाईली रिस्की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. हाईली रिस्की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कौन से होंगे, जो डेफिनेटली फेयर वैल्यू बेस्ड होंगे, और फेयर वैल्यू बेस्ड में भी हाईली रिस्की कौन से होंगे, जिनकी एक दिन में कई बार फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है. तो आपको ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले लिस्ट में से निकाल कर कि कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट हैं जिनमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाई जाए और रिलेटेड एक्टिविटीज लगाकर यह पता लगाया जाए कि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट सही है या नहीं. नाउ स्टेप टू, ऑडिटर शैल गिव रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क. जब हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया कि इन 28 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में ये 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा रिस्की हैं, तो अब उन 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर हम रिस्क असेसमेंट करके कौन सी सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस एक्सटेंट तक लगाएंगे वो डिसाइड करेंगे. तो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क. देन कम्स, अब आपको देखना है कि रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क मतलब आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाई उससे आपको ऑडिट एविडेंस मिले. ऑडिट एविडेंस मिलने के बाद आप देखेंगे
कि अकाउंटिंग एस्टीमेट इन्होंने रीजनेबल बनाए हैं या नहीं, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबल है तो फिर उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं. दीज फोर ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. 6 महीने की नींद उड़ाने के लिए काफी है. सो दीज आर दी फोर स्टेप्स इन्वॉल्व देयर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर उन प्रोसीजर को रिस्पॉन्स दो, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करो. ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के बाद ऑडिट प्रोसीजर लगाओ. लगाने के बाद अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में आपको एविडेंस मिलेंगे, उन एविडेंस से ये देखो कि वो अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबल है या नहीं और प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ. अब बात आती है, मैंने ही आपको बताया था कि ऑडिटर अब डिटरमाइन क्या करेगा. मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेक करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं. एक मेथड तो ये है कि हम मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लिए हैं और उनको चेक कर लें कि वो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स कैसे उन्होंने बनाए. दूसरा हम अपने इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट ले लें. तीसरा हम विंडो ड्रेसिंग कर लें.